हेलो गाइस, सो सबसे पहले आपको एक पाइप ले लेना है जिसका डायमीटर है 1 इंच का, और आप कोई भी पाइप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे घर पर बचा था। उस पाइप से आपको 4.5 इंचेस के दो पीसेस कट कर लेने हैं, इसी तरह आप देख सकते हैं। फिर आपको लगेगी 4 बेरिंग, जिसका नंबर आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है 629। तो बेरिंग का नंबर है 629। आप इसे किसी भी शॉप पर देख सकते हैं, बेरिंग शॉप पर आपको ऐसे 4 पीसेस लगेंगे। फिर आपको लेना है हेरल्डाइन, या आपके पास नहीं है तो आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हैं। उस बेरिंग को आपको पाइप के इस तरह दोनों एंड्स पर चिपका देना है। हेरल्डाइन को 24 आवर्स रखते हैं सूखने के लिए, तो आपको 24 आवर्स के लिए इसे रखना होगा, और ये दोनों तरह एकदम परफेक्ट स्टिक करना है। फिर आपको हार्डवेयर की दुकान से ये 6 इंचेस लॉन्ग 9 mm बोल्ट ले लेने हैं, उनके साथ में इनके नट 6 पीसेस और 4 वॉशर्स लेने हैं। फिर आपको 1 फुट लॉन्ग एक एंगल का पीस लेना है, उसके 6 इंचेस के दो टुकड़े करने हैं, और साइड से 1.25 इंच छोड़कर होल कर लेना है दोनों साइड से। आप देख सकते हैं इसमें आपको 4 होल लगेंगे, और जो एक दूसरे के बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए अपोजिट्स में, इस तरह। अब हम अपने जी रोलर की असेंबली स्टार्ट कर देंगे। देख सकते हैं पहले आपको एक एंगल का पीस लेना है, जिसमें से दोनों बोल्ट पास करने हैं, फिर दो नट्स लेने हैं, उसे अच्छी तरह एंड तक टाइट कर देना है। आपको इसे ज्यादा टाइट नहीं करना है, हाथ से आपका काम हो सकता है। फिर आपको दोनों साइड्स में वॉशर डाल देने हैं एक एक, और जो हमारा पाइप रेडी है रोलर, उसे इंसर्ट कर देना है। फिर और एक वॉशर दोनों साइड्स में लगा देने हैं। इस नट को हमें ज्यादा टाइट नहीं करना है। और ये एंगल लगा देना है। और ये हमारी जी रोलर की असेंबली पूरी हो चुकी है। लास्ट में बस आपको इसके वॉल्स पर जो है वो नट्स टाइट कर देने हैं, एंगल की वॉल्स पे। आपको ध्यान रखना है कि रोलर ना टाइट हो, वॉल्स पर बोल्ट टाइट हो। रोलर को फ्री प्ले चाहिए, आप देख सकते हैं। अब जो रोलर है वो रेडी हो चुका है।